क्या आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं? अगर ड्राई हैं तो स्टीमिंग कीजिए। यस, तो स्टीमिंग से क्या होता है ना, आपके बालों में नेचुरली मॉइस्चराइज कर देता है आपके बालों को। सो स्टीमिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे नंबर वन, मेक्स योर हेयर मैनेजेबल। यस, क्योंकि जब आपके बाल स्टीम से डैम्प हो जाते हैं एंड मॉइस्चराइज हो जाते हैं तो वो मैनेज करने ईजी हो जाते हैं। नंबर टू, रिड्यूसेस हेयर ब्रेकेज। यस, अगर आपके बालों को आप रेगुलरली स्टीम करेंगे ना तो मॉइस्चराइज बने रहेंगे, और अगर बाल आपके मॉइस्चराइज हैं तो वो टूटते कम है। थ्री, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो। यस, तो स्टीम, जो वार्म स्टीम होता है ना, आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है। ब्लड सर्कुलेशन जब स्टिमुलेट होता है ना तो हेल्दी हेयर ग्रोथ होती है। नंबर फोर, लेंथ रिटेंशन। यस, बालों की ग्रोथ इंप्रूव हो जाती है अगर आपके बाल रेगुलरली स्टीम होते रहें। यस, बिकॉज जितना ज्यादा स्टीम होंगे उतना ज्यादा आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपके फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, जितने फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे उतने ही ज्यादा आपके बाल बढ़ेंगे एंड टूटेंगे कम एंड हेल्दी ग्रो करते रहेंगे। नंबर फाइव, मेंटेन्स हेयर मॉइस्चर। यस, क्योंकि स्टीम आपका क्या करता है ना, स्टीम आपको रेगुलरली जो बालों को करते रहेंगे वो आपके शाफ्ट को ओपन अप कर देगा, जिससे क्या होता है आपके जो भी प्रोडक्ट होता है वो सीप इन हो जाता है एंड सील हो जाता है, तो आपके बाल मॉइस्चराइज्ड बने रहेंगे। नंबर सिक्स, मेंटेन्स इलास्टिसिटी, मतलब बालों की इलास्टिसिटी मेंटेन रखता है। आप यू विल बी एबल टू स्ट्रेच योर हेयर विदाउट एक्चुअली स्नैपिंग, मतलब बाल जितना भी आप स्ट्रेच करें हैंडल करें टूटेंगे नहीं इमीडिएटली। नंबर सेवन, इंक्रीजेस डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। यस, जब आप बालों को अपने डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट डेवलप हो जाता है अगर आप एक स्टीमर साथ में यूज करते हैं। सो अगर आपकी लो पोरोसिटी हेयर है तो स्टीमर विल एक्चुअली हेल्प यू एब्जॉर्ब इन द मॉइस्चराइजर।